करेंगे जल्दी से, तो वो ऑफिस बंद कर देंगे। मैं इतने दिनों से कहाँ था, आई एम श्योर आप वेट कर रहे थे मेरा कि ब्लॉग नहीं आ पा रहा, बट मैं किसी रीज़न के वजह से ब्लॉग नहीं डाल रहा था क्योंकि मुझे कुछ घर का काम आ गया था एंड वो काम करना बहुत ही ज़रूरी था। एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगा आप लोग को, अगर आप में और मेरे में कनेक्टिविटी है तो शायद ये स्टोरी आपको अच्छी लगे। तो आज का ब्लॉग भी एनर्जी के साथ में, सबसे पहले जैसे इंट्रो देते हैं वो इंट्रो के साथ में एक छोटा सा ब्लॉग है, क्योंकि मुझे इमीजिएटली में जाना पड़ा था लखनऊ, और लखनऊ में ऐसा बता रहे हैं जो हाल हुआ था, रात भर ऐसे जग जग के आए थे, कोई यार बस में बिठा नहीं रहा था मुझे क्योंकि मेरे पास भारी भरकम सामान आ गया था। अभी देखो, चलो ये ब्लॉग आपको समझ में आ जाएगा कौन से ब्लॉग की हम बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। अभी हम जा रहे हैं फाइनली लखनऊ। लखनऊ में क्यों जा रहा हूँ, कोई शिपमेंट आया था जो कि मेरे यहाँ घर तक डिलीवर्ड नहीं हो पा रहा, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है लखनऊ में। एंड उस शिपमेंट में क्या है शायद ही आप जानना चाहेंगे, बट आगे बता देंगे, अभी नहीं बताना चाहते। तो चलो सबसे पहले चलते हैं लखनऊ, बिकॉज अगर मैं 6 बजे तक वहां पे नहीं पहुंचा 6 बजे शाम को तो वो मेरा शिपमेंट वापस चला जाएगा, तो हम ये नहीं चाहते, मंगवाए थे एंड यहाँ तक डिलीवर्ड नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से जा रहे हैं लखनऊ। अभी हम बस्ती तो आ गए, बट बस्ती से भी चेंज करना पड़ता है और चेंज कर रहे हैं यहाँ से। देखो कितने देर में पहुँचाते हैं, मुझे वहाँ पे 4 बजे से ही पहले वहाँ पे पहुँचना है, नहीं तो जो मेरा पार्सल है वो वापस बैग चला जाएगा। सबसे पहले वहाँ अगर नहीं पहुँचेंगे जल्दी से तो वो ऑफिस बंद कर देंगे और फिर वो चला जाएगा वापस, तो बातें बाद में करते हैं, सबसे पहले पहुँचते हैं ऑफिस पे। ये फेडेक्स ऑफिस, जो मेरा शिपमेंट था वो मिल चुका है और अभी इसको रिक्शे के ऊपर लाद दिए हैं और यहाँ से लेके जाएंगे घर, फिर इसको अनबॉक्स करेंगे। अब क्या है ऐसे बता नहीं सकते, सस्पेंस खेलेंगे यार। ऑफिस में पहुंचने के बाद मैं रिक्शा बुलाया एंड उसके ऊपर अपना जो पैकेज था वो ऐसे लोड किए एंड वहां से बस स्टैंड लेके आए। बस स्टैंड पे तो बस स्टैंड वाले बिठा ही नहीं रहे थे क्योंकि मेरा जो पैकेज था वो काफ़ी बड़ा था। किसी भी तरह से बस वालों से रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने बैठाया, बट जो मेरा पैकेज था उसका भी चार्ज तगड़ा वाला लगा। लखनऊ से मुझे बस्ती तक आने के लिए उन्होंने मेरा जो चार्ज किया पैकेज का वो 300 रुपया चार्ज किया, कि बोले कि 300 रुपये से मैं कम नहीं लूँगा। मैंने बोला ठीक है यार, एंड लखनऊ में तो 8 बजे लॉकडाउन लग जाता है, इस वजह से मैंने 300 रुपये उनको दे दिए एंड लाके मुझे बस्ती में छोड़े। सेम प्रॉब्लम यहाँ बस्ती से घर आने में मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, यहाँ भी नहीं मिल रहा था, फिर भी कैसे भी करके रात को फिर रात को 1 बजे बस्ती से मिला और फिर बस में बैठे कुछ इस तरह से करके। रात के 2 बजे भी पहुँच गए और जो मेरा शिपमेंट था वो रख दिए। बाबा अभी जग रहे, बाबा उस कमरे में करवा दिए, लाइट जला रहे हैं बाबा। उसमें कुछ है ना कमरा, खाली वाला। ठीक ठीक ओके। थैंक गॉड अभी सबसे पहले सोएंगे क्योंकि आंखों में नींद बहुत तगड़ा है यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, आई होप आज का जो ब्लॉग था आपको तगड़ा लगा होगा। तगड़ा तो प्लीज आप लाइक जरूर से कर देना, नए हो पहली बार अगर हमारा ब्लॉग देख रहे हो तो ये सीमेंट क्या है अभी भी अगर आप गेस कर रहे हो तो गेस करके प्लीज कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा
तो आप नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए आ जाना एंड आपको पता चल जाएगा कि शिपमेंट में क्या था। तो मिलते हैं नए वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।